बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी करो ना। अरे पूजा ये हट जा, हट जा। अरे बारिश में हाथ चलो बाइक कर लो। ये किसका है? अरे शिवा भैया, शिवा क्या है? अरे क्या क्या फैला के क्या है? अरे यार मैं आप हैं क्या, इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कितने एक्साइटेड हैं, डेब्यू कर रहे हैं शो के माध्यम से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने का, क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? रज्जो एक बहुत ही बड़ा लार्जर दैन लाइफ शो है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ दैट आई एम पार्ट ऑफ सच अ बिग शो। इस शो के बारे में अगर हम कहें तो सबसे शुरुआत कर सकते हैं हम प्रोड्यूसर से। इस शो के प्रोड्यूसर हैं मुक्ता धुन जी, जिन्होंने बालाजी के कितने सारे शोज़ अभी तक क्रिएटिव डायरेक्टर में किए हुए हैं और इसके पहले भी उनका एक दिव्य दृष्टि शो आ चुका है और अब ये उनका सबसे बड़ा शो जो वो खुद प्रोड्यूस कर रही हैं। सो नो डाउट जिनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है उनका जब अपना पहला शो आएगा तो 100% उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा होगा। उसके अलावा शो के जो डायरेक्टर हैं वो है ललित प्रधान जी, जिनके इशकबाज जैसे कई सारे शोज़ स्टार प्लस पे और डिफरेंट चैनल्स पे आए होंगे और बहुत ही उनका नाम इन शोज से बना हुआ है और उन्होंने काफ़ी अच्छे टेलीविज़न सीरियल्स ऑडियंस को दिए हैं और ऑडियंस का मनोरंजन किया है। इसके सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्या कहना, वो शो सेटर रहे हैं काफ़ी सारे शोज़ के। ऋषि गांधी जी, इनका अपना एक ऑरा है, इनका अपना एक ग्रैंडर लेवल है। जितनी शूट हुई है वो सब एलेक्जास पे शूट हुई है जो कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में अभी तक कभी नहीं हुई है और जिस शो का कैनवास जो आ है देख रहे हैं हम वो इतना लार्जर देन लाइफ है, जिसमें एक्सटीरियर लोकेशंस पे शूट किया गया है तो भी 200 लोग पीछे, डांसर्स और ग्रैंडर, स्टॉर्म की सिचुएशन, बाढ़, और उस बाढ़ का जितना मतलब हम बोलने के लिए बहुत इजी होता है, पेपर पे लिखने के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन वो जब दर्शाया जाता है तो उसकी वो लेवल अगर नहीं सही तरीके से पोर्ट्रे हुई तो वो आपके शो का पूरा ग्राफ ख़राब कर देती है। तो इतने ब्यूटीफुल लोकेशंस पे इतने ब्यूटीफुली शूट किया गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन ऑ है कि ओ माई गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग, ये शो क्या क्या लेके आए हैं हम सब और क्या किस तरीके से हो रहा है। मुझे लगता है स्टार प्लस का ये सबसे बड़ा शो होगा और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सभी के हैं इससे। सभी लोग खूब मेहनत से इस शो को, हार्डवर्क अपना पूरा पुट इन करके, जैसे हमारे शो की रज्जो है सेलेस्टी ने लिटरली कई बार ऐसे ऐसे फाइट शॉट्स और ऐसे ऐसे जगहों पे केबल शॉट्स और सब दिया है कि उसके हाथ वाथ सब छिल गए बेचारी, लेकिन फिर भी हूँ की चूँ नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या शो हम कर रहे हैं। सो उसमें ये सब चीज़ें होना बहुत जायज़ है, फिर भी उसने ड्यूप यूज़ नहीं किया है। हमारे शो के जो हीरो हैं राजवीर सिंह, उसके बारे में क्या कहना, उन्होंने तीन शोज़ किए हैं अभी तक और मैं उनका जो ऑरा देखती हूँ, जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके का ठहराव है, ही लुक्स वेरी ऑसम ऑन द स्क्रीन प्रेजेंस। उनका एक बहुत सुंदर स्क्रीन प्रेजेंस आ रहा है और कई बार हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपका ऑरा जैसे ऋतिक रोशन का ऑरा है, दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन, दैट काइंड इनपुट आप जो दे रहे हैं वो लग रहा है। उसके अलावा जितने हमारे को स्टार्स हैं शो पर, अविनाश जी हुए या मल्लिका जी हुई, दिव्यांगना हुई, आयुषी हुई, आयुषी तिलक और उत्कर्ष हुए, उत्कर्ष गुप्ता, अंकित भारद्वाज और सभी स्टार कास्ट, हर एक कोई अपने तरीके से इतना बढ़िया कर रहा है और इतना ऐड ऑन कर रहा है इस शो में, एक अपना एलिमेंट हर एक का, अपना एक स्टाइल हर एक का, हर एक कैरेक्टर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। जो सेलेस्टी की मॉम बनी है उन्होंने भी अपना गुनगुन, वो भी अपना काफ़ी अच्छा नाम रखती है और उन्होंने भी एक जिस तरीके से उनका एक फील आ रहा है शो में, एवरी कैरेक्टर लुक्स फैबुलस। मैं यही कहूँगी कि मुझे इस शो को करने में बहुत प्राउड फील होता है, मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इस शो का पार्ट बनने का मौका मिला। एंड मैं यही कहूँगी, आप सभी से विनती करती हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है मेरी फिल्म्स में, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया है, आपका एक आशीर्वाद दिया है और इस शो को भी उस आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है। आप लोग इस शो को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा और ज़रूर आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसे देखिएगा। ये शो आज से शुरू होने जा रहा है, 22 अगस्त
शाम के 7 बजे हर रोज़ आपको देखने मिलेगा आपके घर में, हमेशा आपको पाखी दिखेगी अब हर रोज़। सो उसके लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने ऑडियंस से फिर से एक बार उसी तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ जहाँ पर वो ये मनसा रखते हैं कि आप हमें दिखती नहीं हैं, आप हमसे मिलती नहीं हैं और हमको आप ज़्यादा मूवीज़ कीजिए। तो लीजिए, मैं अब आपके हर घर में हर रोज़ दिख। ऑफ कोर्स सभी ने बधाई दी है और सभी ने कॉल करके मैसेज के थ्रू मेरे वीडियोस को इंस्टाग्राम पे शेयर करके मुझे टैग करके सभी ने अपना प्यार दुलार और अपने गुड विशेस कन्वे किए हैं। हर एक ने, दिनेश जी ने हुआ है, रवि जी ने हुआ है, खेसारी जी ने हुआ है, सभी ने अपने पर्सनल नोट पे भी मुझे कॉल करके मुझे विशेस दिए हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वो समझ सकते हैं कि हम एक अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी एक जो एकजुटी है वो एकजुटी इस प्यार में दिख के आती है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।